उत्तर प्रदेश के बागपत में टटीरी क्षेत्र में नरेश चिकन सेंटर नाम के होटल पर थूक की रोटी बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। रोटी बना रहा युवक शहजाद नाम बताया जा रहा है इसका, हर बार रोटी सेकने से पहले थूकता हुआ नजर आया। तस्वीर आपको दिखाना है। होटल पर खाने आए एक युवक ने कार में बैठकर वीडियो बनाया और इसका वीडियो वायरल कर दिया। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ दिन पहले भी यहाँ एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था। बागपत पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे प्रकरण पर जमीयत उलमा हिंद की ओर से इस मामले में हाफिज नवाब अली का कहना है कि इस्लाम में इस तरह की हरकत बिल्कुल भी जायज नहीं है, ये कोई साजिश है। गाजियाबाद लोनी के जमीयत उलमा हिंद के महासचिव हाफिज नवाब अली ने कहा कि जमीयत अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के निर्देश पर अपने स्तर से भी इन मामलों की जांच कराई जा रही है। अब तक आए मामलों में संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। कोई भी इंसान इस तरह की घटिया हरकत नहीं कर सकता। वहीं मदरसा जामिया शेखुल हिंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि ऐसी हरकतें जायज़ नहीं है। जो लोग खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं, उनमें थूकते हैं, पेशाब मिलाते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि ऐसा करने वाले पर आरोप सिद्ध होता है तो उनके प्रतिष्ठान उनका काम हमेशा के लिए बंद करा देने चाहिए। यह नया वीडियो वायरल है बागपत।